नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के है ना बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था ना उसका सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हम लोग अपने पहले वाले वीडियो में जो है प्रश्न संख्या एक से लेकर इक्यावन तक के प्रश्न को हम सोल्व कर चुके थे तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या बावन के आगे के प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन यदि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए बच्चों हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं तो बच्चों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अभिलंब रूप में तल का समीकरण अभिलंब रूप में तल का समीकरण तो अभिलंब रूप में तल का समीकरण फॉर्मूला है ये ना अभिलंब रूप अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होता है Lx प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी चलिए तो प्रश्न संख्या तिरपन देखिए प्रश्न संख्या तिरपन में बोल रहा है कि यदि दो सरल रेखा के दिख को जाए एलवन

तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है ना क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए इसके बाद है प्रश्न संख्या चौवन बोरा एक्स एच की दिक को जया ये जो प्रश्न है एकदम कन्फर्म रहता है एग्जाम में है ना हर साल के एग्जाम में प्रश्न कन्फर्म रहता है कि आएगा तो आएगा है ना एक्स अक्ष की दिक को जया एक्स की दिक को जया दिक को क्या होता है एक्स अक्ष की दिक को जया तो वन जीरो जीरो ना जिसका पूछेगा उसका वन रखना है बाकी सबका जीरो करना है ना क्योंकि थ्री डी ज्योमेट्री में तीन नियामक होता है एक्स बाय ठीक है तो अगर पूछेगा बाई एस की दिक्कत को दिया तो एक्स वाला को जीरो रखेंगे बाय वाला को वन और जेड वाला को क्या करेंगे जीरो कर देंगे फिर बोलेगा जेड एस की दिक्कत को क्या कर देंगे जीरो तो जीरो तो वन जीरो तो जीरो वन कर देंगे ठीक है चलिए तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी होगा चलिए उसके बाद है हमारा प्रश्न प्रश्न संख्या पचपन देखिए त्रिभुज के शीर्ष इतना और इतना है तो त्रिभुज होगा त्रिभुज होगा ठीक है चलिए तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं देखिए ध्यान से ये हमारा त्रिभुज हो गया ठीक है आप देखे से ये हो गया हमारा ए तो ए का नियामक दिया हुआ है पांच माइनस दो और चार बी का नियामक वन जीरो और वन और सी का नियामक टू माइनस थ्री और फोर ठीक है चलिए तो पहले हम यहाँ करेंगे क्या दूरी सूत्र का यूज करेंगे और ए बी बी सी और ए सी निकाल लेंगे देखिए तो पहले ए बी निकालते हैं ए बी तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे फॉर्मूला होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर है प्लस बाय वन माइनस बाय टू का मान है? तो तो लेते हैं एक्स टू और इसको लेते हैं। एक तू बाई तू जे टू जेड टू कितना हो जाएगा यहाँ पे पांच माइनस एक का स्क्वायर तो पांच माइनस एक का स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू होगा माइनस दो माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस दो माइनस जीरो का स्क्वायर और यहाँगा जेड वन माइनस जेड टू होगा चार माइनस वन का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से होगा, में से होगा में घटेगा चार तो चार का स्क्वायर होता है सोलह दो का स्क्वायर हो जाएगा चार चार में से तीन घटेगा एक घटेगा तो तीन तीन का स्क्वायर होता है नौ तो कितना होगा आपका रूट अंडर सोलह चार बीस नौ उन्तीस चलिए आप निकाल लीजिए बी सी निकाल लीजिए बी सी तो बी सी देखिए तो so बीसी में इसको मान लेते हैं एक्स वन बाई वन जेड वन इसको मान लेते हैं X2 2 Z2, तो वन माइनस टू का स्क्वायर वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस हो तो जाएगा जीरो प्लस थ्री का होल स्क्वायर जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वन माइनस फोर का स्क्वायर तो देखे ध्यान से तो जगह यहाँ पे वन में से दो तो घटेगा तो एक तो एक का स्क्वायर एक और प्लस नौ और प्लस नौ तो नौ नौ अठारह अठारह एक कितना हो जाएगा उन्नीस चलिए अब निकाल लीजिए ए सी तो ए सी बराबर तो रूट अंडर ठीक है पांच में से दो घटेगा पांच माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो प्लस तीन का स्क्वायर अ प्लस चार माइनस चार का स्क्वायर ठीक है तो हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा पांच में से दो घटेगा तो कितना बचेगा तीन तो तीन का स्क्वायर गार नौ और यहाँ पे हो जाएगा तीन में से दो घटेगा तो बचेगा एक एक का स्क्वायर एक और जीरो चार चार कट के कितना हो जाएगा जीरो तो कितना तो 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 आ गया दस तो हम लोग आप देखते हैं यहाँ पे तो तीनों भूजा में से कोई बराबर नहीं है मतलब तो ना तो ये सम्भा होगा ना समझी भाव होगा आप समकोण समकोण के लिए शर्त क्या है दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए तो देखिए तो छोटी भुजा के आया है ए सी तो हाँ लिखते हैं ए सी का स्क्वायर है ना ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर तो ए सी कितना दिया हुआ है रूट अंडर तो, तो कितना आएगा आपका दस और उन्नीस आएगा तो दस उन्नीस को क्या लिख सकते हैं उन्तीस तो उन्तीस किसका स्क्वायर है है ना उनतीस तो उन्तीस को लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर उन्तीस का स्क्वायर तो देख सकते हैं ये बड़े भैया के वर्ग के बराबर आ रहा है मतलब किसके बराबर आ रहा है ए बी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है आप लोग ये सब क्लास टेंथ में ही पढ़े हैं और प्रयागता से ज्यादा क्वेश्चन अलेवंथ और टेंथ वाला ही रहता है क्लास ट्वेल्थ में इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा है ना प्रयागता से जो होता है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास टें एलेवंथ वाला क्लास ट्वेल्थ में ठीक है चलिए तो ध्यान से देखें तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी तो अब प्रसंख्या संतावन संतावन बोल रहा है वन माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चलिए बराबर बोल रहा है होगा तो वहां देखिए ध्यान से तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस पी इसको अगर हम यूनियन लिखेंगे ना यूनियन तो डैश ऊपर चल जाएगा है ना डैश ऊपर चल जाएगा ठीक है तो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं पी ए बराबर क्लास टेंथ में भी फार्मूला पढ़े हैं पी ए बराबर वन माइनस पी ए डैश वन माइनस पी ए डैश तो हम वन माइनस पी ए यूनियन बी का डैश है क्या होगा पी ए यूनियन बी पी यूनियन बी तो इसका आंसर क्या होगा पी ए यूनियन बी यानी ऑप्शन नंबर डी चलिए प्रश्न संख्या अठावन देखिए प्रश्न संख्या अंठावन बोल रहा है यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार होगी पी ए बराबर इतना पी बराबर इतना तो बोल रहा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी देखे ना सर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो होगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी ठीक है तो पी ए प्लस पी बी पी ए का मान कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू और पी बी का मान कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी चलिए प्रश्न संख्या उनसठ देखिए उनसठ में बोल रहा है कि दो पास के फेंके में फेंक में जोड़े जोरा पानी की प्रयागता क्या होगी तो दो पासा है दो पासा है तो पहले इसका एस निकाल लेते हैं और फिर गुना करेंगे और तो बोले नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा तो नंबर ऑफ एस, एस हो जाएगा छे गुना छः तो कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा ठीक है चलिए तो बोल रहा है कि मतलब है ना पासा को दोनों पासा को फेंके हैं तो या तो दोनों पासा पर एक एक आएगा या तो दोनों पासा पर दो दो आएगा या दोनों पास पर तीन तीन आएगा ठीक है तो कुल कितना आ, तो आ, तो आ सकता है या तो वन वन आ, तो आ सकता है या तो टू टू आ, तो आ सकता है या तो थ्री थ्री आ सकता है या तो फोर फोर आ सकता है या तो फाइव फाइव आ सकता है या तो सिक्स सिक्स आ सकता है ठीक है तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा छ इसलिए पी -E बराबर कितना होगा नंबर ऑफ इ बटे नंबर ऑफ एस तो नंबर ऑफ दिया नंबर ऑफ एस कितना छत्तीस तो कार देंगे कितना आएगा? एक बटा छठ प्रश्न संख्या के अंतर्गत उद्देश्य फलन जेड का न्यूनतम मान होगा है ना उद्देश्य फलन जेड का न्यूनतम मान होगा देखे ध्यान से है ना तो ऐसा करते हैं ये हमारा हो गया एक्स अक्ष ये हो गया हमारा बाई अक्ष और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x प्लस टू सिक्स इससे हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं x तो बराबर कितना आएगा मतलब अगर हम का मान जीरो रखते हैं तो बाय का मान छ मिलता है और अगर हम यहाँ पे x का मान छ रखते हैं तो का मान क्या मिलता है जीरो रख, मिलता है x तो में जीरो तो बाई में छ तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है हमारा हो जाएगा यानी छीरो छे हो जाएगा ना x का मान जीरो बाई में छ है इसका कितना होगा जीरो छः और यहाँ पे देखें जीरोगा तो दोनों बिंदु से ये लाइन क्या होगा जाएगा ठीक है तो इसका जो एरिया रहेगा किधर रहेंगे देखिए लेस देन है तो लेस देन है तो इस साइड इसका एरिया होगा ये वाला एरिया क्या होगा इसका कलर हो जाएगा तो इसमें तीन बिंदु मिला है मानिए ए ये तो हमारा ओ होता है हमारा क्या होता है बी होता है तो इसी तीन बिंदु पर निकालते हैं जेड का मान तो देखिए जीरो सिक्स पर अगर जेड का मान निकालेंगे जीरो सिक्स पर जेड का मान तो एक्स का मान जीरो बाई का मान छः तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस दो गुना छः तो कितना आएगा बारह आएगा अगर निकालते हैं छः जीरो पर इसका मान तो कितना आएगा तो आएगा छ प्लस दो गुना जीरो तो कितना आएगा छः और निकालते हैं जीरो जीरो पर इसका मान निकालते हैं तो जेड बराबर कितना आएगा जीरो प्लस दो गुना जीरो तो जीरो हो जाएगा? इसका न्यूनतम मान कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी चलो इसके बाद तो है प्रश्न संख्या देखिए आगे प्रश्न संख्या एकसठ तो प्रश्न संख्या एकसठ देखिए क्या दे है आई कैप है ना आई कैप आई कैप अक्रोस दे हुआ है जे कैप अक्रोस है के कैप इक्वल टू बोल रहा होगा इक्वल टू होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है आप लोग ध्यान रखिएगा से कैसे हम लिखते हैं इसको यहाँ पे देखना है एंटी क्लोक वाइज में, direction में है ना एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है ठीक है तो मान लीजिए ये आई है ये आपका जे है और ये आपका के है अगर I को जे से गुना करेंगे तो के मिलेगा जे को के से गुना करेंगे तो आई मिलेगा K ko J Then, you know, के को आई गुना करेंगे तो जे मिलेगा तो देखिये पहले आई करोस एन आई करोस दे देते हैं और जे करोस के है तो जे करोस के करेंगे तो क्या मिलेगा आई मिलेगा करेंगे आई मिलेगा मिले क्रॉस में जो होता है समान सदस्य का योगफल तो जीरो होता है और समान सदस्य क्रॉस में दिया हुआ तो योगफल क्या होता है जीरो होता है क्या होगा इसका योगफल जीरो होगा है ना जीरो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर संख्या बारसठ देखिए इसका ये उसके बाद है प्रश्न संख्या तिरसठ क्या दियाई एक्स प्लस टेनवर्स बायस तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ये है

माइनस वन बाय टू का मान साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू तो साइन में वन बाय टू कितना डिग्री में होता है तीस डिग्री में तो होगा ये माइनस तीस का मान कितना होगा ऑप्शन नंबर बी माइनस फाइव बाई सिक्स चलिए प्रश्न संख्या छियासठ तो यहाँ देखिए जान से तो जाएगा कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का मान कितना था पाई बाय टू पाई बाय कितना होता है पाई बाय तो पाई बाय टू कॉट पाई बाय का मान कितना होगा

साइन अब साइन इनवर्स वन बाई टू तो वन बाई टू कितना डिग्री में होता है तो तीस डिग्री में तो होगा साइन so का मान कितना होता है वन बाय दो ऐसे भी ये फॉर्मूला है ना इसका मान कितना हो जाएगा वन बाय दो और ऐसे भी फॉर्मूला होता है ना साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं चलिए उसका संख्या अड़सठ देखे चलिए हुआ इंटीग्रेशन थ्री डी एक्स तो क्या होगा थ्री बाहर और डी एक्स का होता है एक्स पावर फाइव तो बहुत ही सिंपल है इसका लिख दीजिए यहीं पर तो तो शिक्ष शिक्ष, और कितना होगा ए से बी अब पहले बी रखेंगे फिर बाद में ए रखेंगे ठीक है बी रखेंगे फिर ए रखेंगे तो हो जाएगा ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना बी पावर सिक्स माइनस ए पावर सिक्स बटे सिक्स चलो उसके बाद है सत्तर तो सत्तर में देखे दिया हुआ दियान जीरो से रूट सोलह और दिया हुआ है डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स ठीक है तो इसका देखे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पे पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स तो इसका हो जाएगा आपका इंट्रीग्रेशन एक्स पे पावर हो जाएगा पे पावर टू, टू ठीक है तो मतलब इसको दो बाहर निकाल देंगे तो कितना रूट अंडर एक्स अब इसका मान रख दीजिए जीरो से सोलह तो टू और पहले रखेंगे इसमें सोलह और फिर रखेंगे जीरो तो दो गुना चार तो कितना हो जाएगा आठ दो गुना चार कितना हो जाएगा आठ ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या इकहत्तर डी साइन इनवर्स वर्स एक्स

चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं ठीक है तो अगला प्रश्न प्रश्न तिहत्तर बोल रहा है ए इक्वल टू आई जीरो जीरो आई तो आई और जहां आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन तो ए स्क्वायर होगा चलिए तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं दो मर्तीज इसको गुना कर देंगे आई और जीरो जीरो और आई ठीक है फिर इसको गुना लिख देते हैं आई जीरो जीरो और आई चलिए इसको गुना कर देंगे तो आई गुना आई थे आई स्क्वायर जी जीरो गुना जीरो प्लस जीरो फिर आई गुना जीरो 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 गुना आई होगा जीरो फिर जीरो गुना आई जाएगा जीरो आई गुना जीरो जीरो फिर जीरो गुना जीरो जीरो आई जाएगा जीरो, जीरो जीरो। जीरो गुना आई तो जाएगा तो आई का स्क्वायर तो वहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन आई स्क्वायर मान होता है माइनस वन है ना आई स्क्वायर मान कितना होता है माइनस वन तो

टू का स्थान क्या है ए वन टू फिर टू का स्थान क्या है ए टू वन फिर वन का स्थान क्या है ए टू टू अब देखिए कैसे निकालेंगे एट ज्वाइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालना है एट ज्वाइंट ऑफ ए देखे एट ज्वाइंट ऑफ ए बराबर देखिए ध्यान से ए वन वन अगर इस इसको इस दोनों को जोड़ने पर अगर सम संख्या आता है जहां पर प्लस का साइन लेंगे और देखिए तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो मतलब वन का जो है रो और कॉलम छोड़ देंगे रो और कॉलम मतलब तो परी और खरी और छोड़ देंगे परी और खरी का करेंगे छोड़ देंगे तो इसका बचता है वन बचता है तो इसलिए इसका होगा यहाँ वन ए वन टू तो ए वन टू यानी वन टू तो वन टू जो है मेरे थ्री आता है दो एक तीन इसलिए यहाँ पर लेंगे माइनस लेंगे अब यहाँ देखिए तो ए वन टू के स्थान में क्या है दो है तो दो का आपका रो और कॉलम छोड़ दीजिए इत बचता है दो तो यहाँ लिख देंगे माइनस दो क्या लिख देंगे माइनस दो लिख देंगे ठीक है चलिए तो यहाँ चलिए ए टू वन तो देखिए ए टू वन दो एक जो तीन आएगा तो इसका साइन क्या लेंगे माइनस में लेंगे साइन क्या लेंगे माइनस में लेंगे ठीक है तो अब इसका रो कलम सॉरी इसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं क्या बचता है दो बजता था हम हो जाएगा माइनस दो कितना हो जाएगा माइनस दो माइनस कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है फिर देखिए ए टू टू तो इसका साइन क्या होता है प्लस होता है तो हाँ वो वन होगा तो वन का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो कितना आएगा वन आएगा वन तो कितना आ गया आंसर वन माइनस दो माइनस दो वन वन माइनस दो वन माइनस दो वन माइनस दो माइनस दो वन यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या पचहत्तर देखिए प्रश्न संख्या पचहत्तर तो यहाँ पे दिया थ्री फोर फाइव इतना इतना कमान होगा बहुत सिंपल है जिस रो या कॉलम में दो गो जीरो उसी से विस्तार कर दीजिए उसी से विस्तार कर देना है ठीक है जिस रो या कॉलम में दो गो जीरो यहाँ देखिए इसमें दो जीरो है तो इसका साइन होता है प्लस इसका साइन होता है माइनस इसका साइन होता है प्लस ठीक है चलिए थ्री से विस्तार कर देंगे तो थ्री का थ्री का रो और कॉलम छोड़ देंगे क्या दो सत्या चौदह और माइनस कितना हो जाएगा तीन गुना जीरो है कितना होगा बयालीस है कितना होगा बयालीस इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी कल तो संख्या छिहत्तर बोल रहा अबकल समीकरण इतना का हल है देखिए अबकल समीकरण इतना का नहीं डी बाई एक्स अब बराबर इतना बटे बाई स्क्वायर तो क्या करेंगे एक्स को एक तरफ कर देंगे बाई को एक तरफ कर देंगे ठीक है एक्स को एक तरफ बाई को एक तरफ तो देखिए बाई स्क्वायर डी बाई और कितना डी एक्स चलिए अब इसका कर देते हैं समाकलन क्या कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे तो कितना आएगा बाई क्यू बाय थ्री बराबर एक्स क्यू बाई थ्री प्लस के बाई क्यू बाई थ्री बराबर एक्स क्यू थ्री प्लस के तो यहाँ से तीन से तीन से क्या करते हैं इसमें देखिए धन से तीन से गुना कर देते हैं तो कितना तो आएगा बाई क्यू बराबर एक्स क्यू और प्लस थ्री के तो लिख सकते हैं इसको बाई क्यू और माइनस एक्स क्यू बराबर थ्री के बाई क्यू माइनस एक्स क्यू बराबर थ्री के ना थ्री यानी कांस्टेंट के जहाँ पर कुछ भी आ सकता है इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए है ना कांस्टेंट के यहाँ पर कुछ भी आ सकता है तो बाई क्यू माइनस एक्स क्यू यानी होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना ऑप्शन नंबर बी चलिए तो उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या सतहत्तर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी टेन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स तो पहले स्क्वायर का करेंगे अवकलन तो स्क्वायर का अवकलन करेंगे दो टू टेन एक्स हो जाएगा और फिर टेन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा है तो ना टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या अठहत्तर देखिए अठहत्तर तो यहाँ पे दिया हुआ है मरते अवकलंक करना दो बार तो पहले करते हैं फिर इसका अवकलन करेंगे तो चलिए कितना होगा बारह एक्स स्क्वायर दो मरते अवकलंक किए बारह एक्स स्क्वायर आया बारह एक्स स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या उनासी देखिए प्रश्न संख्या उनासी तो उनासी में यहाँ एक्स पावर आठ दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स पावर नो बटे नो और हाँ लिमिट दिया है जीरो से वन तो वन रखेंगे वन बटे नो आएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसंख्या अस्सी अवकलंक सेक एक्स का अब सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक देखिए तो इसका मोड निकालना बहुत सिंपल है है ना इसका जो मोड निकालना बहुत सिंपल है बहुत सिंपल क्या करना है आई का गुना कितना है दो तो लिख देंगे दो का स्क्वायर फिर लिख देंगे माइनस तीन का स्क्वायर तो नौ और एक तो नौ एक, दस, दस सर के ना हो जाएगा चौदह यानी रूट अंडर चौदह आई होगा ऑप्शन नंबर बी तो प्रश्न संख्या बयालीस देखिए बोला इतना के अभी अभिलंब के दिक अनुपात है ना अभिलंब के दिक अनुपात है ना तल इतना बराबर जीरो पर अभिलंब के दिक अनुपात है अभिलंब के दिक अनुपात है तो दिक अनुपात क्या होगा यहाँ पे देखिए सात चार और माइनस दो सात चार माइनस दो कितना होगा सात चार माइनस दो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर ठीक है दिक अनुपात सात चार माइनस दो चलिए उसके बाद है देखिए ध्यान से प्रश्न संख्या तेरासी तो प्रश्न संख्या तेरासी में देखिए बोला यदि पी ए बराबर इतना पी वी बराबर इतना तो पी ए यूनियन बी बराबर इतना पी ए यूनियन बी होगा सॉरी तो प्रश्न तेरासी दिया हुआ है यदि पी ए बराबर दोनों बटे दो तो पी ए इंटरसेक्शन भी एक बटे चार तो पी ए यूनियन बी बहुत सिंपल है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए तो पी ए कितना जाएगा तीन बटे आठ पी बी पी बी कितना जाएगा एक बटे दो और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा एक बटे चार तो देखे ध्यान से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आठ तो तीन और होगा दो चौकाठ चार माइनस दो तो चार तीन सात सात में से दो घटेगा कितना आएगा पाँच यानी पाँच बटे आठ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर चलिए प्रश्न संख्या चौरासी देखिए तो बोल रहा है इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स डी बराबर होगा तो क्या होगा माइनस बाहर दीजिए और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स ठीक है लॉग मॉड एक्स तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं लॉग है ना लॉग मॉड एक्स पे पावर माइनस तो इसका लिख सकते हैं कितना हो जाएगा हो जाएगा लॉग हाँ इसको लिख सकते हैं लॉग 1 बटे मोड x लॉग 1 बटे मोड x यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा चलिए उसके बाद देखें प्रश्न संख्या 50 यदि s प्रतिदर्श समष्टि है और e कोई घटना तो p बराबर बहुत सिंपल सवाल है ना ये सब क्लास टेंथ का है क्या होगा p बराबर नंबर ऑफ e बटे नंबर ऑफ s यानी प्रश्न संख्या 5 और प्रायिकता जो है कभी भी क्वेश्चन जो है ना मतलब ट्वेल्थ के लेवल का नहीं पूछता है हमेशा नीचे का पूछता है अलेवन और 10 का ही आएगा आपका है ना क्लास ट्वेल्थ में चलिए बोल रहा है तो पहले देखिए थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप और प्लस बारह के कैप ठीक है चलिए तो पहले देख लिया इसका तीन माइनस चार और बारह इसको बोलते हैं दिक अनुपात क्या बोलते हैं दिक अनुपात ठीक है ए बराबर थ्री और बी बराबर माइनस फोर और सी बराबर कितना हो जाएगा बारह आप निकाल लीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिए तो कितना आएगा तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा चार का स्क्वायर करेंगे सोलह आएगा बारह का स्क्वायर करेंगे एक सौ चौवालिस आएगा ठीक है तो कितना आएगा सोलह नौ पच्चीस यानी एक सौ उनहत्तर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका तेरह आ जाएगा ठीक है कितना आएगा तेरह तो सबके नीचे बस तीन यहाँ लिखा हुआ है ना तो तीन बटे तेरह और माइनस चार लिखा तो माइनस चार बटे तेरह बारह लिखा तो क्या लिखेंगे बारह बटे तेरह यही होगा इसका दिख हो जया यही क्या होगा इसका दिक्को हो तीन बटे तेरह माइनस चार बटे तेरह और बारह बटे तेरह तीन बटे तीन बटे तेरह माइनस चार बटे तेरह बारह बटे तेरह यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए तो अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या सतासी बोल रहा है एक्स बाई तल का समीकरण होगा देखिए बोल रहा है एक्स तल का समीकरण एक्स बाय तल का समीकरण है ना एक्स तल का समीकरण तो क्या लिखेंगे इसमें एक्स बाई है क्या नहीं है जेड नहीं है तो लिख देंगे जेड बराबर जीरो तो होगा इसका ट्रिक यही है बोलेगा बाई जेड तल का समीकरण तो बाई जेड है क्या नहीं है एक्स नहीं है तो एक्स बराबर जीरो बोलेगा जेड एक्स तल का समीकरण है ना तो जेड एक्स क्या नहीं है बाई नहीं है तो बाय बराबर जीरो तो जेड बराबर जीरो ऑप्शन नंबर सी प्रसंख्या अठासी देखे संख्या अठासी में बोल रहा है ना पांच इंटू वन टू थ्री फोर देखिए ये सारणिक का प्रश्न है ना सारणिक दिया हुआ है सारणिक में जब भी किसी संख्या से करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ चार गो ऑप्शन दिया हुआ है किसमें से अगर आप पांच कॉमन लीजिएगा तो वन टू थ्री फोर बचेगा है ना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो देखिए वन टू है पंद्रह और बीस है अगर इससे पांच कॉमन ले, ले लेते हैं पांच इससे ऑप्शन नंबर बीस है देखिए कितना है वन टू पंद्रह और कितना है बीस है, है ना तो इससे अगर हम पांच कॉमन ले लेते हैं कहाँ कॉमन लेते हैं, कितना आएगा कितना है बचेगा तीन और कितना बचेगा चार कितना आ गया वन टू थ्री फोर आ गया ना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी वन टू पंद्रह बीस है ना पंद्रह और बीस से पांच कॉमन लेंगे तो तीन और चार बचेगा ठीक है चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या नवासी चलिए क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है इसका आंसर क्या होगा जीरो होगा इसका आंसर कितना होगा जीरो होगा एबीसी समांतर श्रेणी में है तो इतना का मान पीछे क्वेश्चन से आया है इसका <coughs> क्या होगा जीरो होगा प्रश्न संख्या नब्बे देखिए प्रश्न संख्या नब्बे तो बोल रहा है इंट्रीगेशन इतना इक्वल टू वाट तो ये देखिए ध्यान से तो ये है जो हमारा ये फॉर्मूला है इसका ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला है तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस ए का होल क्यू डी एक्स तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखिए एक्स प्लस ए का होल फोर बटे कितना हो जाएगा फोर बटे कितना हो जाएगा फोर और एक्स प्लस ए का अब कलंक करेंगे तो एक आ जाएगा तो ये होगा हमारा आंसर है ना प्लस आप दे देंगे के या सी कुछ भी दे दीजिए का होल फोर बटे एक्स प्लस ए का होल फोर बटे फोर प्लस के का के ऑप्शन नंबर बी चलो उसके बाद है प्रश्न ख्यानवे देखे, देखे तो यहां दिया हुआ है d साइन लॉग x तो पहले साइन का कर करेंगे अवकलन तो कितना आएगा कॉस लॉग एक्स जब लॉग x का करेंगे तो कितना वन बाय तो कुल मिला कितना आ गया आपका आ गया कॉस एक्स बाय एक्स।, एक्स, एक्स तो इसका आंसर ऑप्शन <coughs> ऑप्शन नंबर नंबर सी सी चलिए बिरानबे देखे ए इक्वल टू इतना बीवल टू इतना तो ए प्लस बी होगा तो ये कितना होगा ए प्लस बी दो और एक तीन पांच और पांच दस और तीन और छ और एक और दो तीन तीन दस नौ तीन तीन दस नौ तीन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए चलिए प्रश्न संख्या तिरानवे देखिए तो डी साइन स्क्वायर है ना एक्स तो साइन स्क्वायर तो पहले स्क्वायर क्या करेंगे कल लिखेंगे टू साइन एक्स अब साइन क्या करेंगे कल लिखेंगे कॉस एक्स अब ये फॉर्मूला है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स पर संख्या चौरानवे तो अब इसका करना है हमको अवकलन तो पहले लॉग का, का करेंगे तो लॉग का करेंगे कितना आएगा वन बटे ई बी पावर एक्स वन बटे ई एक्स सॉरी वन बटे कितना आएगा ई एक्स अब ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स का कितना आएगा ई तो ई और ई क्या होगा कट जाएगा तो कितना आएगा वन बटे यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चलिए प्रसंख्या, 95, प्रसंख्या 95, तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन तो अवकलन क्या होता है छियानवे वन वन हो तो प्रश्न छियानवे तो देखिए इसका अवकलन करना है ठीक है बहुत सिंपल है तो पहले इसको तोड़ लीजिए तो एक्स गुना एक्स करेंगे कितना आएगा एक्स का स्क्वायर बीच में माइनस होता है फिर माइनस दो गुना प्लस दो करेंगे तो कितना आएगा माइनस फोर यानी होगा प्लस फोर अब इसका कर दीजिए आप लोग अवकलन तो एक्स का अवकलन टू एक्स टू आंसर तो ऑप्शन है किसका समाकलन है माइनस लगा हुआ है तो होगा कॉस्ट इनवर्स एक्स का ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट इनवर्स एक्स का अगर प्लस रहता है तो साइन इनवर्स एक्स का चलिए प्रश्न संख्या अंठानवे अब बोल रहा है यहाँ पे देखे i क्रॉस j अ डॉट वेक्टर k तो i क्रॉस j बराबर क्या होता है वेक्टर k तो वेक्टर k वेक्टर k तो वेक्टर k वेक्टर k, तो k, k कितना होता है 1 इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर b ऑप्शन नंबर b चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 99 देखिए तो दिया हुआ है d sin 10x तो sin का कितना होता है cos तो हो जाएगा cos 10x और तो 10 फिर टेन ऐसा करेंगे कितना आएगा टेन कितना लिखा जाएगा टेन कॉस एक्स टेन कॉस एक्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होता है का कितना के ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी तो बच्चों आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत